नमस्कार दोस्तों, विवेक डॉट इंडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार, मेरे पास है यहाँ पर रेडमी 12C के दो वेरिएंट, एक है 4 GB रैम, दूसरा है 6 GB रैम। और आज मैं करूँगा यहाँ पर दोनों फ़ोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। देखेंगे यहाँ पर रैम मैनेजमेंट का क्या डिफरेंस दोनों फ़ोन की स्पीड पर आपको देखने के लिए मिलता है। दोस्तों हार्डवेयर की बात करें, दोनों फ़ोन में MIUI 13 मिलता है आपको। एंड्रॉयड वर्जन की बात करें, दोनों ही एंड्रॉयड 12 पर रन करते हैं। प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर दोनों फ़ोन में आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G85 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 12 नैनोमीटर पर रन करता है। इसकी दो कोर हैं 2 GHz कॉर्टेक्स 75 की और 6 कोर हैं 1.8 GHz कॉर्टेक्स A55 की। माली G52 MC2 आपको मिलता है यहाँ पर GPU। डिफरेंस राइट हैंड वाला जो है वो 4G वेरिएंट है और लेफ्ट हैंड वाला 6G वेरिएंट है। आप देखते हैं यहाँ पर डिफरेंस क्या रहने वाला है दोनों ही फ़ोन की स्पीड में। दोस्तों स्पीड टेस्ट के लिए हमने यहाँ पर डाउनलोड कर रखे हैं दोनों ही फ़ोन में कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। हम इनको प्ले करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। उससे पहले आपको दिखा दूँ, दोनों फ़ोन की रैम क्लियर है, दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर एक भी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड टेस्ट फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ, जो कि है हमारा यहाँ पर बबल स्टोरी। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर लॉन्च करे थे दोनों फ़ोन में ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। बात अगर स्पीडी करते हैं यहाँ पर, तो हाँ मैनेजमेंट में 6G वेरिएंट थोड़ा सा फास्ट है यहाँ पर, इसमें कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। अब देखते हैं रैम मैनेजमेंट में यहाँ पर कितना डिफरेंस दोनों ही डिवाइस में आपको देखने के लिए मिलता है। दोस्तों स्पीड के साथ साथ मल्टीटास्किंग में भी यहाँ पर 6G वेरिएंट ज़्यादा बेहतरीन है। आप वहाँ पर ज़्यादा अच्छी मल्टीटास्किंग कर पाएंगे और बैकग्राउंड पर स्पेस ज़्यादा होगा तो आप फ़ोन को ज़्यादा स्मूथली यूज भी कर पाएंगे यहाँ पर। तो आज की स्पीड टेस्ट का बने रहा है रियलमी 12C 6G वेरियंट, और ये था हमारा रियलमी 12C 6G और 4G वेरियंट के बीच स्पीड टेस्ट कंपेरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।